आज बनाते हैं बच्चे और बड़े सबको पसंद आने वाला लेफ्ट ओवर ब्रेड से बनने वाला चटपटा सा नाश्ता जिसका नाम है मसाला ब्रेड पोहा। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निधि जैन एंड वेलकम टू माई चैनल स्वास्थ्यशाला। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मसाला ब्रेड पोहा की रेसिपी। तो ये बनाएंगे अपनी लेफ्ट ओवर ब्रेड से या मोटी ब्रेड से जिसको कोई खाना पसंद नहीं करता। साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ उबली हुई मटर, आलू जिसको मैंने अच्छे से धो के काट लिया है, टमाटो की प्यूरी और डाइस की हुई प्याज। अब सबसे पहले ज़रूरी है इस मोटी ब्रेड को और जो ब्रेड के कॉर्नर्स बच जाते हैं उनकी हम कर लें कटिंग। इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लें। नॉर्मली ये जो मोटी ब्रेड होती है वो या तो वेस्ट ही जाती है क्योंकि इसे खाना कोई पसंद नहीं करता है, तो ये बहुत अच्छा यूज़ है। अब ले लें कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम तेल और थोड़ा सा बटर। इसके अंदर हम अपनी जो ब्रेड है उसको करेंगे टॉस। अब इसकी सीजनिंग कर लेंगे थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च के साथ। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो स्टेज पर थोड़ा सा गार्लिक डाल लें ताकि जो ब्रेड है वो थोड़ी हमारी फ्लेवरफुल हो सके। इसको आप भूनें मीडियम हाई फ्लेम पे और ये अच्छे से टॉस करके क्रिस्प हो जाएंगे और जो ब्रेड का पोहा है वो हमारा जो है खाने में सॉगी नहीं होगा, जल्दी से सॉगी नहीं होगा और खाने में टेस्टी भी लगेगा और खिला खिला बनेगा। अब इसी कढ़ाई में ले लेंगे थोड़ा सा और तेल और आप चाहें तो यहाँ बटर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा और फिर डालेंगे अदरक हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज। उसको तेल भी कर लेंगे फ्लेवरफुल तेल को, और अगर गार्लिक डालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा गार्लिक डाल सकते हैं। अब आलू को हम करेंगे इसके अंदर फ्राई मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। थोड़ा सा नमक डाल देंगे आलू को फ्राई करते हुए ताकि आलू भी जो है हमारे खाने में फीके ना लगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर नमक थोड़ा सा हम बैचेस में डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से डालें। अब जब आलू आपको लगे कि 70% से 80% तक हो गए हैं, अब उसमें डाल देंगे चॉप करी हुई प्याज और थोड़ी सी प्याज बचा लेंगे जिसको हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और इसको हम हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से सेक लेंगे। जैसे ही प्याज आपको लगे सिक जाए तो इसके अंदर उबली हुई मटर डाल दें और इसको भी 2 मिनट फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर टमाटो की प्यूरी डालने की। तो अब डालेंगे इसके अंदर हम अपनी टमाटो की प्यूरी और इसको भी भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छे से भून लेंगे जैसे हम नॉर्मली सब्जी के लिए मसाला भूनते हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से भून गई हैं, अब बारी आती है इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डालने की। पोहे को बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, वो है टमाटो केचप। मतलब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हॉट एंड स्वीट चिली टमाटो केचप। आप चाहें तो नॉर्मल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वाली यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा और अपने टेस्ट के हिसाब से वैसे आप मिर्ची डाल सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा तेज़ मिर्ची खा लेते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें डाला था पानी क्योंकि ब्रेड जो है वो सॉगी होगी इसके अंदर जाके, तो हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। साथ में डालिए थोड़ी खटाई और चाट मसाला और इन सबको मिला के एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और जब ये बॉयल आ जाएगा तब इस पर डालेंगे हम थोड़ी सी सोया सॉस जिससे कि इसका टेस्ट और इन्हेंस होगा, और इसको अच्छे से मिला के इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अब अगर आप सारा ब्रेड का पोहा अभी खाना चाहते हैं तो आप इसको अभी डालें, अदरवाइज़ ये ग्रेवी बना के रख लें और एक अच्छे शेफ़ की तरह इस स्टेज पर ज़रूर ग्रेवी को चख लें ताकि इसको खाते समय कोई भी इसमें कभी ना निकाल पाए। जैसे कि मुझे मेरे घर के हिसाब से लगा कि इसमें थोड़ा सा और चटपटा हो सकता है, थोड़ी मैंने मिर्ची और खटाई डाल दी है। और इसको मिला के जितना आपको पोहा यूज़ करना है उतना ही ब्रेड के अंदर इसकी ग्रेवी मिलाएं। अभी ये मेरा सारा लग जाएगा तो मैंने सारा पोहा डाल दिया है। अगर आप तभी उस समय इसके अंदर ब्रेड मिलाएंगे, मतलब ग्रेवी को गर्म करें और ब्रेड मिलाएं, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से ब्रेड का पोहा बनाएं और लेफ्ट ओवर ब्रेड को फेंकने की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत टेस्टी और यमी नाश्ता बना सकते हैं। तो आइए इसको सर्व कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने इसे सर्व कर लिया। अब मैंने जो डाइस की हुई प्याज और कुछ उबले हुए मटर के दाने रखे थे उससे मैंने इसे गार्निश कर दिया है। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय।